पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई। करीब 40 मिनट तक यह बातचीत चली। मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी ने आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने के अलावा सीमा पार से आतंकवाद और द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में बातचीत की। इसके अलावा दोनों मुल्कों के बीच कश्मीर मुद्दे, सीज फायर का उल्लंघन, बिजली, पेट्रोलियम और व्यापार, कारोबारी और आर्थिक रिश्तों को बहाल करने के बारे में, वीजा नियमों को आसान करने के बारे में, मुंबई के गुनाहगारों को भारत सौंपने की मांग, भारत को सर्वाधिक तरजीही देश यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने और दाऊद को सौंपने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। इन द मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, पीएम अंडरलाइंड आवर कंसर्न्स रिलेटिंग टू टेररिज्म। It was conveyed that Pakistan must abide by its commitment to prevent its territory and territory under its control from being used for terrorism against India. We also expect that necessary steps will be taken in the Mumbai terror attack trial underway in Pakistan to ensure speedy progress of the case and the conviction of those responsible. The PMs agreed that the foreign secretaries will remain in touch and explore how to move forward. खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।